अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और रात के यहाँ पे बज रहे हैं, क्या पता, याद नहीं है भूल गई। लेकिन यहाँ पे डिनर पका रही हूँ मैं, और व्लॉग मैंने अभी से स्टार्ट किया है बिकॉज़ आज थोड़ा बिजी दिन था। वो थोड़ा अंदर की सफाई हो रही थी बेडरूम की, तो इसीलिए टाइम नहीं मिला व्लॉग स्टार्ट करने का। तो मैंने अभी, ये थोड़ा लेट हो गया मुझे, तो मैं यहाँ पे आज थोड़ी अलग तरह की दाल बना रही हूँ, मसाले वाली दाल बना रही हूँ, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। जैसे पहले जो मैंने दाल की रेसिपी शेयर की थी वैसी नहीं है, थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे चाय भी पीने के लिए मैंने चढ़ाई थी ताकि पहले मैं पी लूँ, थोड़ा फ्रेशनेस आ जाएगा तो खाना अच्छे से पका सकूँगी। तो वही चाय निकाल रही हूँ मैं। और यहाँ पे कुकर में दाल गल चुकी है। दाल में था मसूर की दाल और तुअर की दाल मिक्स करके मैंने उबालने चढ़ाया था, नमक और हल्दी डाल के। अब इसकी बघार की तैयारी कर रही हूँ मैं। जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा अलग स्टाइल में दाल बना रही हूँ, बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी। तो ऐसा है, तो यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल के गर्म होने के बाद मैं इसमें बघार में डालूँगी ज़ीरा, और ये ज़ीरे का लिए मैं बहुत छोटा चम्मच यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे अभी इसके लिए चमचे भी लेने पड़ेंगे, नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने अभी इसमें डब्बे में ऐड नहीं किए। तो ऐसा है, तो यहाँ पे मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है, और ज़ीरे के बाद मैंने कड़ी पत्ता ऐड कर दिया है बघार में। और जैसे ही कड़ी पत्ता खुशबू छोड़ देगा तो मैं उसमें ऑनियन ऐड कर दूँगी, और ऑनियन को थोड़ा पकाना है, रेडिश कलर आए तक के उसको पकाना है, तो दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ऐसे मसाले वाली दाल बनाने के बाद क्या होता है पता है, भाजी नहीं भी हो ना तो खाना बड़ा टेस्टी लगता है। और दाल सच में इतनी अच्छी बनी थी ना कि भाजी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना ऑमलेट की ज़रूरत पड़ी। मैंने तो दाल चावल ही खाया है रुखा, और बहुत अच्छा लगा खाने में। और दाल को मैंने ज़्यादा पकाया क्योंकि तुअर की दाल थी इसके अंदर, तो गलने के लिए टाइम लेती है, तो मैंने 2 सीटी एक्स्ट्रा लगा दी, तो दाल कुछ ज़्यादा ही गल गई है। तो ऐसा है, और यहाँ पर साथ ही साथ ऑनियन भी मेरे पकने आ गए, रेड होने आ गए। तो इसको पूरा रेड नहीं करना है, लेकिन एक बोलते ना पिंक कलर आ जाता है ना पूरा, मतलब जैसे अभी वो लाल होने वाला है 2 मिनट में, वैसा करना है। तो फिर मैंने यहाँ पे ना जो जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ नहीं किया है, इसको मैंने ना ग्रेट किया था बारीक बारीक, मतलब ग्रेटर से, तो वो मैंने ऐड किया। और 3 हरी मिर्ची ऐड की है। इसको पकाने के बाद मैं इसमें ज़री सी लाल मिर्ची की बुक्की डालूँगी, हल्दी नहीं डालूँगी क्योंकि हल्दी मैंने ना कुकर में डाली थी सीटी लगाने के वक्त। और यहाँ पे मैं टमाटर ऐड कर दूँगी, और थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी क्योंकि मैंने दाल उबालने के टाइम पे भी नमक ऐड किया था, लेकिन थोड़ा अभी डालना ज़रूरी है क्योंकि टमाटर जल्दी गल जाएंगे। तो ऐसा है, थक चुकी हूँ मैं आज बहुत बुरी तरह से, बहुत मतलब थक चुकी हूँ। और यहाँ पे मेरा मसाला रेडी हो गया, तो मैंने यहाँ पे दाल को ऐड कर दिया। अभी इसको कुछ नहीं उबालना है, इसको ढक के ना उबालना है, 1 मिनट से 1.5 मिनट तक के इसको उबालूंगी मैं, मतलब दो तीन उबाल आए तक के इसको उबालूंगी। और उसके बाद अगर आपके पास कोतमीर हो यानी धनिया के पत्ते हो तो उसको बारीक बारीक काट के डाल दीजिएगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं थे इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। तो अभी बस मैं इसको उबालने के लिए रख दूँगी, और थोड़ा सी नमक और ऐड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सी कम था। इसके बाद मैं वही कुकर को थोड़ा सी वॉश कर लूँगी और उसी में चावल चढ़ा दूँगी। और यहाँ पे दाल उठाते वक्त पे पता चला कि कुकर का जो स्क्रू है थोड़ा ढीला हो गया है, तो उसको मैं स्पून की हेल्प से थोड़ा टाइट कर रही थी। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, घर में ही टाइट कर लेती हूँ, मुझे वो नहीं होता है ज़्यादा। और यहाँ पे मैं कुकर वॉश कर रही हूँ, तो क्या जल्दी चावल भी पक जाएगा। एक्चुअली लेट हो गया है खाना, भूख भी बहुत ज़ोर की लग रही है। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि क्या काम में बिज़ी थे और क्या हुआ था। तो ऐसा है, यहाँ पे उस्मा मेरे साथ खेल रही है, खाना वगैरह हो गया है, अभी हम लोग का खेलने का टाइम है, अभी हम लोग खेल रहे हैं, उसके बाद उसको दवा पिला के सुला दूँगी।
और मैं भी फिर एडिटिंग करने बैठ जाऊंगी। खेल रही है वो, छुपम छुपी खेल रही है मेरे साथ। मैं उसको आवाज़ दे रही हूँ, आ जा आ जा आ जा, मैं गिनतियाँ गिन रही हूँ, लेकिन वो आ रही नहीं। फिर आई, इतने ज़ोर का आई कि फिर उसको लगते लगते बचा। ये देखो बहुत मस्ती है माशाल्लाह, उसके अंदर बहुत मस्ती है। और मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को क्या साफ़ कर रहे थे हम लोग। ये देखिए, ये बैक स्टोर है ना, ये जो बहुत सारे बॉक्सेस थे यहाँ पे, तो उसको सेट किया गया है, लेकिन इससे ज़्यादा अभी नहीं हो सकता, जितना होना था हो गया है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल मॉर्निंग में। ओके, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अरे मैं आना किचन में आई, मैंने सोचा चलो मम्मी के लिए नाश्ता बना देते हैं, तो यहाँ पे गैस ही खत्म हो गई। मेरी चाय गर्म करने चढ़ाई थी मैं, लेकिन वो भी नहीं हो पाई। गैस चालू है तो ऐसा है, सब कुछ गर्म करने का बाकी है। नहीं, हाँ मैंने दाल गर्म कर दी एक्चुअली, रात में जो दाल बनाई थी ना वो दाल मैंने गर्म कर दी। चाय गर्म करने चढ़ाई, गैस बंद हो गया। मैंने पैन धो के रखा था, सोचा था उज़्मा के लिए मैं वो बना देती हूँ, रवा बना देती हूँ, तो गैस खत्म हो गई है। अभी मुझे इतना नॉलेज नहीं है गैस फिट करने का, बाबू करते हैं, लेकिन चलो अभी मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि ऐसे तो बैठ नहीं सकती ना मैं। तो ऐसा है, रात को एक्चुअली मुझे ब्लॉग कंटिन्यू करने नहीं मिला, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया थक गए थे, वो सफाई वगैरह चलती थी ना वहाँ पे, इसीलिए। तो चलो मैं अभी गैस लगाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे उज्मा को ब्रश करना है बड़े ब्रश से, जबकि मॉर्निंग में उसको छोटे ब्रश से ब्रश करवा चुकी हूँ मैं। उसको दूध दिया पीने के लिए, बट वो दूध भी नहीं पी। और यहाँ पे मैं अभी लगाने की कोशिश तो करूँगी। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मुझे लगाना नहीं आता है, बस डर लगता है। तो उज्मा मुझे परेशान कर रही थी, तो मैं गई हूँ उसको झूले में बिठाने के लिए, क्योंकि वैसे ही मैं डरते डरते ये करने वाली हूँ, और वो मेरे आगे पीछे घूमेगी तो वो भी नहीं होगा। तो इसलिए उसको मैं झूले में बैठा के आती हूँ थोड़े टाइम में। तो ऐसे मैं अभी ये लगाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे ना सारा पसारा फैला होता है, एक्चुअली पसारा नहीं होता है, ये जो बाज़ार की थैली आती है ना, तो ये यहाँ पे रख देते हैं भाजी तरकारी जिसमें थी ना अभी, ट्रॉली में उसके अंदर थैली सब जमा होती है ना, तो मैं उसको एक साथ एक बड़ी थैली में डाल के रख देती हूँ। तो वही सारी चीज़ें थी अंदर, तो मैंने अभी निकाल लिया है सिलेंडर। और ऐसा मैंने बोला ना, मुझे ऐसा नहीं है कि नहीं आता है करने, आता है, लेकिन फिर भी मुझे रिस्की लगता है, इसलिए मैं नहीं करती। तो ऐसा है, हमेशा बाबू को बोल देती हूँ कर दो, क्योंकि जिस चीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, वो करने के लिए डर ही लगता है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लगाया, लगा दिया अच्छे से, और फिर भी 2 से 3 बार चेक करूँगी मैं लगाते वक्त, मैंने सही लगाया नहीं लगाया। एक बार तो अच्छे से लॉक हो गया था, लेकिन उसके बाद भी मैंने खोल दिया, चेक करने के चक्कर में खोल दिया, फिर से लगाया। अभी कंफर्म वो लग चुका है, तो मैं अभी चेक कर लूँगी गैस चालू करके, थोड़ा रुक के चालू करने का, कभी भी गैस सिलेंडर लगाने के बाद ना थोड़ा रुक के चालू करने का, एकदम तुरंत ही नहीं करने का। तो मैंने चालू करके चेक कर लिया, तो गैस चालू हो गया। लेकिन यहाँ पे ना चूहों ने ना, मतलब इतने ज़्यादा चूहे नहीं मेरे घर में, एक छोटा सा बच्चा है, उसने परेशान करके रखा है। तो बस वही साफ़ करूँगी अभी, मैं झाड़ू मार लूँगी, रोज़ ही साफ़ करती हूँ मैं, लेकिन रोज़ रात में लोगों का कुछ ना कुछ रहता ही है, तो ऐसा है। लेकिन अभी कुछ नहीं, उसकी भी मौत आने वाली है बहुत जल्दी चूहे की। तो ऐसा है, वो आता है एक 50 रुपये का चूहा, चिपक जाता है उसके अंदर। मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था स्टार्टिंग में उसके ऊपर, कि मैंने कितने सारे चूहे पकड़े। उस टाइम पे तो मेरे घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे लमसम, मैंने वो एक रात में ना 6 से 7 चूहे एक ही टाइम पे वो उसमें आके चिपक जाते हैं, तो उसमें चिपक गए थे। तो वही मंगा लूँगी मैं वापस से, 50 रुपीज़ का आता है चूहा, चिपक जाता है उसमें, थोड़ा सी अंडा या तो चिकन या कुछ नॉन वेज आइटम डाल के रखोगे ना तो चिपक जाता है। तो ऐसा है। और यहाँ पे वही जो ट्रॉली के अंदर जो छोटी छोटी पॉलीथीन और थी ना, वो भी मैंने उठा के बांध के रख दी है। तो चलिए फिर अभी मैं ये कचरा उठा लेती हूँ, और फिर उज़्मा के लिए नाश्ता बना देती हूँ। एक्चुअली उसको मैंने मॉर्निंग में दूध दिया, मतलब उठते साथ ही दूध दिया, तो उसने दूध पिया ही नहीं, तो अभी उसको जल्दी भूख लग गई, वरना वो कैसा ना मिल्क पी लेती है ना, तो थोड़ा टाइम दे देती है, तो हो जाता है अच्छे से मेरा। तो यहाँ पे चलो मैं चढ़ा दी हूँ नाश्ता उसका। एक्चुअली आज मैंने सिर्फ 1 कप चाय पी है, वरना मॉर्निंग मॉर्निंग मैं 2 कप चाय पी लेती हूँ तो ही मुझे कुछ अच्छा लगता है। लेकिन अभी उज़्मा ने दूध नहीं पिया, बोल के मेरे को एक ही कप चाय, आधी कप चाय पी मैंने, 1 कप भी नहीं, और फटाफट उसके लिए नाश्ता बनाने खड़े हो गई। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ उसके लिए वही दूध वाला रवा, किसी भी तरह से उसकी बॉडी में दूध दूध जाना ज़रूरी है, क्योंकि वैसे ही 2 दिन से क्या हो गया पता है, मैं उसके लिए बादाम का पाउडर पीस के रखती हूँ ना, जो वो ख़त्म हो गया, तो वो भी पीसना है मुझे।
तो आज मैं ये नॉर्मली बना दे रही हूँ। इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, इसके अंदर सिर्फ अभी ये रवे को मैं भूनूंगी, रेड कर दूंगी, और इसके अंदर फिर जब ये रेड हो जाएगा तो थोड़ा सी घी ऐड करूंगी। घी ऐड कर पहले मैं इसलिए नहीं ऐड करती ना, क्योंकि घी जल्दी ऐड कर देंगे ना तो रवा पकने में थोड़ा टाइम लगाता है, रेड होने के लिए टाइम लगाता है, और मैं पहले ही रेड कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा ऐसे नीचे उतार के रखती हूँ ताकि और जले नहीं, तो उसके बाद मैं घी ऐड करती हूँ। तो घी भी ख़त्म हो गया है। एक्चुअली कैसा ना, मैंने इस बारी को महीने में ना राशन है ना वो चुन चुन के मंगाया, गिन गिन के मंगाया, क्योंकि पिछले महीने मैंने आप लोगों को बताई ना कुछ चीज़ें एक्सपायर हो गई थी, तो मैंने इस बार सोच सोच के चुन चुन के सामान मंगाया, ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया, सोच लिया था मैंने पहले ही कि मतलब पहले ख़त्म होने दो, फिर उसके बाद जो जो चीज़ ख़त्म होएगी तो ध्यान से वो चीज़ मैं मंगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने घी डाल के अच्छे से इसको भून लिया है, अब इसमें मैं दूध डाल दूँगी, और दूध डालने के बाद क्या इसके अंदर फिर मैं थोड़ी सी चीनी ऐड कर दूँगी, और इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, मतलब इसको थिक नहीं करना है, सूखा नहीं करना है, इसको मैं पकाऊँगी और ना एकदम मतलब थिन फॉर्म में रखूँगी, मतलब थोड़ा सी गाढ़ा दूध की क्वांटिटी भी रहनी चाहिए उसके अंदर, क्योंकि जब ये ठंडा होता है ना, देखो मैं बता रही थी कि उस मैंने दूध नहीं पिया, क्योंकि ये ठंडा होता है ना तो ये पूरा जम जाता है, गट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर घी भी है दूध भी है, तो ऐसा। तो अभी मैं इसमें थोड़ा और दूध ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा दूध मैंने कम डाला है, तो ऐसा है। देखिए अभी मैं चीनी डाल रही हूँ, अब चीनी डालना है तो थोड़ा कम डालती हूँ मैं चीनी, क्योंकि ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो भी उसमें नहीं खाती है। एक्चुअली पहले तो वो बिल्कुल मतलब मीठा तो मतलब खाना उसको चाहिए नहीं होता था, अब थोड़ा थोड़ा मीठा खाने लगी है, खीर खाती है बड़े शौक से माशाल्लाह मेरी बच्ची, तो ऐसा है, खीर और शुरकुरमा उसका फेवरेट है। तो चलिए पक गया उसका, ऐसी ऐसी क्वांटिटी में रखने का, तो ठंडा होते होते गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैं आई हूँ बेडरूम में, ये बेडरूम में देख रहे हो आप ये हालत पड़ी है। ये मैंने उज़्मा का हैंगर निकाल दिया था ना, क्योंकि कल वो काम कर रहे थे तो ये बीच बीच में लग रहा था, तो अभी मैं कुछ गई हूँ लगता, मैंने किचन में अपने लिए चाय गर्म करने रखी थी और मैं भूल के यहाँ पे आ गई थी, तो मैं बस वही बंद करने गई हूँ गैस। और ये हैंगर में से अभी ये कपड़े निकाल के इसको घड़ी भी करना। उज़्मा देखिए आप लोगों को कुछ दिखा रही है, वो एक्चुअली किटकैट खा रही है, किटकैट। ये देखिए मैंने भी उसका ध्यान भटकाने के लिए मैं बोला ठीक है भाई तू कर ले जो करना है, उसी बहाने थोड़ा काम करने मिलेगा। अभी ये सारे कपड़े घड़ी करके मुझे रखना है, तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। सो फाइनली ये व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज मैंने ऑयल डाला बाल में, बहुत ऑयल डाला, और अरे और मैंने छोटा सा चुंडा पीछे डाला है। एक्चुअली पहले ऐसे ही चुंडा डालती थी तो बाल अच्छे रहते थे, अभी क्या ऊपर बांध के रखती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाता है और बाल है ना फिर ऊपर चले जाते हैं। हाँ तो इसलिए आज ऑयल डाला है, वॉश करूँगी शाम में ही वॉश करूँगी, या अभी कर लूँगी जैसे ही काम खत्म होगा तब कर लूँगी। तो अभी मैं ये करने बैठ रही हूँ तो मुझे इसमें लमसम बहुत सारा टाइम जाएगा, क्योंकि वो छोटे छोटे कपड़े घड़ी करने के लिए बहुत टाइम जाता है, उसमें से अभी छाटना है कौन सा उसमें पहनेगी कौन सा नहीं पहनेगी, तो वो मैं करने वाली हूँ। और वो कपड़े सूख के पड़े उसको भी डालना है अंदर अलमारी में। चूचा इधर आओ, चूचा इधर। हाँ मोजे जूते काका है मेरी बेटी के, देख के बहुत खुश होती है वो, ये सारी चीज़ें मैं छुपा के रखती हूँ वरना वो बार बार पहन लेती है सॉक्स, तो ऐसा है।
तो चलिए फिर मैं ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग के साथ। ठीक है, तो चलिए फिर, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना। उज्मा लाइक 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 कर दो, लाइक कर दो, लाइक करो ना बाबा। और आप लोगों से मैंने पोस्ट में पूछा था कि क्या करूँ, गोल्ड ले लूँ, दावत नहीं रखूँ, तो आप लोगों ने बहुत सारे सजेशन दिए मुझे। मुझे आप लोगों के सजेशन अच्छे लगे, तो कोशिश करूंगी आप लोगों के सजेशन पे मैं से कुछ अच्छा ही करूँ। ओके, फिर अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़। मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करना, और हो सके तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर पसंद आए तो। और उज़्मा भी बोलेगी बाय बाय, बोलो। अरे बोलो उज़्मा, वो सामने आईना है ना, तो वो देख देख के खुश हो रही है, तो ऐसा है। चलिए अल्लाह हाफिज़।